आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत का ढोकला, जो कि बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। व्रत ढोकला बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 200 ग्राम सामक के चावल और 50 ग्राम साबूदाना। अब हमें इन दोनों को मिक्सी में अलग अलग करके पीस लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सामक के चावलों को अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे साबूदाना का पाउडर और इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक, एक बाउल दही और हमें इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, हमें एक साथ नहीं डालना और इसको साथ साथ मिलाते रहना है। हमें इस तरह का थोड़ा सा थिक मिक्सचर बनाना है और इस तरह का मिक्सचर बनाने में एक कटोरी पानी लगा है, तो पानी की क्वांटिटी वेरी कर सकती है। और अब हम इस मिक्सचर को 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, तब तक मैंने एक बड़े बर्तन को गैस पर रख दिया है और इस बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी और एक स्टैंड रख दिया है ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। फ्लेम अभी मैंने लो ही रखी है। 15 से 20 मिनट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी ग्रेटेड अदरक और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा ही डालेंगे और हमें इन सब चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिला लेना है। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक इनो का पाउच और हमें इसे ज़्यादा देर नहीं रहने देना, बस साथ साथ इसको मिक्स कर देना है। इसे ज़्यादा नहीं हिलाना, बस 2 से 3 बार हिलाना है हमें। अब जिस बर्तन में हमें ढोकला बनाना है उसकी हमें ग्रीसिंग कर लेनी है घी से। अब हमें साथ साथ बैटर को बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है और इसे एक बार अच्छे से टैप कर देना है ताकि ये प्रॉपरली सेट हो जाए। पानी भी हल्का सा गर्म हो चुका है, फ्लेम हमारी लो ही है। अब हमें ध्यान से इस बर्तन को इस बड़े बर्तन के अंदर रख देना है और अब हम इसे ढक देंगे और फ्लेम हाई कर दीजिए और 10 मिनट के लिए इसे गैस पे ही रहने देना है। 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम ढक्कन खोल कर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ढोकला जो है वो अच्छे से फूल चुका है। अब हमें गैस को बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही रख देना है। अब मैंने तड़का पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। जीरे को हमें तड़कने देना है। जीरा हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी पानी और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच चीनी, 3 नींबू का रस और हमें इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें डालनी है स्लिट की हुई हरी मिर्च और 3 से 4 बॉयल आने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है। 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और तड़के को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ढोकला ठंडा हो चुका है, अब हमें चाकू से इस तरह से इसे बर्तन से अलग कर लेना है।
अब मैंने बर्तन को प्लेट के ऊपर इस तरह से उल्टा करके रख दिया है। अब हमें इसे इस तरह से निकाल लेना है और देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी ढोकला बनकर तैयार है। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमारा ढोकला बहुत ही सॉफ्ट बना है और ये बहुत ही स्पॉन्जी है। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ से कट कर लेना है। अब हम इसके ऊपर तड़का डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी व्रत ढोकला बनकर तैयार है।